महानायक लीजिए प्रस्तुत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक पर आधारित रेडियो नाट्य धारावाहिक। नाट्य रूपांतरकार हैं मनोज भटनागर, संगीतकार हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान, निर्माता और निर्देशक हैं वीरेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए धारावाहिक महानायक की सातवीं कड़ी। सुभाष की असमय और चालबाजी अपनाकर की गई गिरफ्तारी से पूरा बंगाल तो स्तब्ध और क्रुद्ध था ही, उनके गुरु देशबंधु चितरंजन दास सबसे अधिक प्रभावित और चिंतित थे। अपने पश्चात सुभाष के अभिभावक के रूप में मात्र एक ही व्यक्ति नजर आता था उन्हें, और वो थे हिंदुस्तान की जनता को अपने पीछे बटोरते जाने वाले महात्मा गांधी। अपने कृशकाय शरीर के बावजूद देशबंधु अब भी अपने दत्तक पुत्र सुभाष के अस्तित्व के लिए जूझने को तत्पर थे। फरीदपुर कांग्रेस अधिवेशन में उनकी भेंट गांधी जी से हुई। बापू जी, आप संघर्ष का आह्वान करें, उन्होंने मेरे लाडले को मुझसे छीन लिया है। चितरंजन बाबू, विधान मंडल में स्वराज दल की सफलता अंग्रेजों से देखी नहीं गई, इसलिए प्रशासन ने उसकी जड़ पर ही कुठाराघात किया है और सुभाष चंद्र जैसे तेजस्वी कार्यकर्ता को अनायास ही बंदी बनाया है। ये घोषणा मैं सार्वजनिक रूप से कर चुका हूँ। बंगाल अध्यादेश जैसा कानून लागू करके और सुभाष जैसे असंख्य देश भक्तों को बंदी बनाकर सरकार दीर्घकाल तक अपनी अन्याय की गाड़ी नहीं खींच सकती है। ये तथ्य तो सभी जानते हैं। चितरंजन बाबू, सच कहूँ तो बंगाल में आपने युवा कार्यकर्ताओं की ऐसी ताकतवर कतार खड़ी कर दी है कि बंगाल की राजनीति में आने वाले 50 वर्षों तक तो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं पड़ने वाली। गांधी जी, आप अजात शत्रु हैं। और देश बंधु, आपकी उदारता के सामने तो राजा हरीश चंद्र भी घुटने टेकते हैं। आपने विशाल चितरंजन सदन को 3 लाख रुपए में बेचकर खुद को घर से बेघर कर दिया और आज़ादी के मकसद के लिए गठित चितरंजन न्यास में 8 लाख रुपए जमा कर दिए। वैसे चितरंजन बाबू, अब कहाँ रहेंगे आप? बैरागी को घर की क्या जरूरत बापू, कांग्रेस मेरे लिए गंगा किनारे एक झोपड़ी बनवा दे, बस फिर और क्या चाहिए हमें। धन्य है आप देशबंधु, धरती पर स्थित अपनी संपत्ति का आखिरी टुकड़ा भी आपने अंततः राष्ट्र को अर्पित कर दिया। भौतिक संपत्ति तो आनी जानी है बापू, मेरी वास्तविक संपत्ति तो सुभाष है। जवाहर जी बापू, तुम कभी सुभाष से मिले हो? नहीं बापू, ये सौभाग्य मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ। तुम दोनों एक बार मिल लो जी। हमारा क्या है, उस पार का किनारा हमें कभी से दिखने लगा है। कल के हिंदुस्तान का निर्माण तो तुम नौजवानों को ही करना है। भाषंती देवी, मैं आपको सही समय पर चेतावनी दे रहा हूँ, दास बाबू की स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही पर रोक लगाइए। जी बापू। गांधी जी, आप केवल मेरा खोखला हो चला शरीर ही देखते हैं, आप मेरे टूटे हुए दाएं हाथ और पैरों को नहीं देख पा रहे हैं। सुभाष सहित मेरे इतने कार्यकर्ता कितने ही महीनों से सीखचों के पीछे बंद हैं, मेरे लड़के वहीं बंदी गृह में नरक यातना भुगत रहे हैं, ऐसे में मेरा चित्त स्थिर और शांत कैसे रहे? गांधी जी, अब मेरे भीतर कुछ भी ठीक नहीं रह गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं चितरंजन बाबू? नहीं जवाहर, नहीं, स्वास्थ्य साथ नहीं देता,
अब मुझे शेष रह गई दो बातों का ही कष्ट है। एक तो है हिंदू मुस्लिम एकता, जो मेरी ही तरह बापू को भी प्राणों से अधिक प्रिय है, और दूसरा है सुभाष। मैं भी उसकी विलक्षण सामर्थ्य और देश के प्रति उसके अलौकिक प्रेम की सदैव प्रशंसा करता हूँ, परंतु आप जैसी परिपक्वता पाने के लिए अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना है। नहीं गांधी जी, मेरी प्रशंसा करने में आप सुभाष को कम करके आंकने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। पिछले 6 वर्षों में मैंने उसकी तड़प, उसकी संगठन क्षमता और उसके प्रखर देशाभिमान को बहुत निकटता से देखा है। वो एक जगमगाता तेजस्वी हीरा है, इसीलिए थोड़ा कठोर है। देश की भलाई के लिए अनेक चक्रवात पैदा करने की क्षमता है उसमें, आप उसका यथा योग्य उपयोग करें। मेरे बाद सुभाष को कृपया निराश्रित ना छोड़ें। गांधी जी, मेरे पीछे सुभाष का ध्यान रखने का वचन दीजिए। वचन के लिए आग्रह करना मुझे पराया समझना नहीं हुआ क्या? गांधी जी, एक बात मैं आपसे खास तौर पर कहना चाहता हूं। कल की पीढ़ी कदाचित ये न पूछे कि मैंने देश के लिए क्या किया है। अगर लोग ये माने कि मैंने इस मिट्टी के लिए कुछ नहीं किया तो खुशी से माने, परंतु उन्हें ये कदापि भूलने मत दीजिएगा कि मैंने इस देश को सुभाष जैसा रत्न दिया है। और देश बंधु ने गांधी जी से जो प्रत्यक्ष वचन लिया और जिसे गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप में दिया, उसे निभाने का समय शीघ्र ही आ पहुंचा। गांधी जी से इस मिलाप के कुछ ही दिन बाद दार्जिलिंग में एक शाम सर्द हवा के झोंके के साथ देश बंधु की क्षीण जीवन ज्योति बुझ गई। बर्मा स्थित मांडले कारागार में जब ये दुखद समाचार पहुंचा तो सुभाष मानो निष्प्राण से हो गए। 2 महीने के कारावास में सुभाष बाबू का वजन 11 किलो कम हो गया था। नियति की ये मार उनके क्षय रोग का कारण बन बैठी। हालत इतनी बिगड़ गई कि ब्रिटिश सरकार हड़बड़ा गई, कहीं देश का ये दुलारा कारागार में ही दम न तोड़ते। उन्हें रिहा करके कलकत्ता भेज दिया गया। जीवन की इच्छा छोड़े इस निष्प्राण प्राय शरीर में जान फूंकी देश बंधु की पत्नी बासंती देवी ने। सुभाष, मन को संभाल बेटा। कैसे संभालूं मां, कैसे संभालूं, जब संतान के नसीब में मां का सोना कपाल देखने का संयोग का बने तो उससे अधिक अभागी संतान और कौन होगी। मां कहां गए मेरे गुरु, मां कहां गए मेरे गुरु। सुभाष, तेरा मिट्टी से पुनः उठ खड़ा होना ही तेरे गुरु को तेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माँ, तुझे जीना है बेटा। ब्रिटिश साम्राज्य की फौलादी ताकत से भिड़ना है तुझे। शब्द थे या संजीवनी मंत्र, देखते ही देखते सुभाष बाबू में नव जीवन का संचार होने लगा। 1928 का ऐतिहासिक वर्ष, कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था।
सब चाहते थे कि मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आसीन हों। इसी पक्के इरादे से बैरिस्टर सेन गुप्ता और सुभाष चंद्र इलाहाबाद के भव्य आनंद भवन में विराजमान थे। और फिर हुआ वो चिर प्रतीक्षित मिलन, जिसकी आस न जाने कब से स्वर्गीय देश बंधु और गांधी जी लगाए बैठे थे। दो घोड़ों की टापें गंगा तट पर गूंज उठीं। मेरी समझ में नहीं आता जवाहर भाई, गांधी जी आज भी संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए तैयार क्यों नहीं है? पुराने नेता भले ही तैयार न हो, परंतु सुभाष हम नौजवानों को तो अपने घोड़े सरपट ही भगाने होंगे। आप ठीक कह रहे हैं जवाहर जी, मात्र स्वतंत्रता मिल जाना ही काफी नहीं है। आजादी के बाद देश के पुनर्निर्माण का एक निश्चित कार्यक्रम तैयार करने के काम में हमें अभी से जुट जाना होगा। बिल्कुल। परंतु जवाहर जी, मुझे तो ठीक इसी बात में संघर्ष की चिंगारी दिखाई दे रही है। अच्छा, किस बात में सुभाष? कांग्रेस 42 वर्ष पूरे कर चुकी है, पर आज भी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करते हुए पुराने नेताओं की खिक्की बन जाती है। गांधी जी सहित पुराने नेताओं का विरोध कैसे हो पाएगा? सुभाष, तुम्हें और मुझे बगावत की तैयारी रखनी ही होगी। हालांकि मेरे द्वारा गांधी जी का विरोध किया जाना पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मोतीलाल जी देश के एक बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं। तो साथ ही आपके पिता भी हैं। सुभाष, अरे अपना ध्येय भी तो बहुत ऊंचा है, ऐसे में पिताजी के विरुद्ध संघर्ष करने का समय आया तो मैं उन्हें भी ललकारूंगा। देख लीजिए जवाहर जी, ऐन वक्त पर हम में से किसी को भी पीछे नहीं हटना। एक बार जो कदम उठा लिया उसे पीछे क्यों हटाना सुभाष, ये मेरा वचन है, वचन। ठीक है। मोतीलाल नेहरू अपने पुत्र और सुभाष बाबू के बीच बढ़ते इस तारतम्य से कुछ विचलित हो उठे थे। उन्होंने महात्मा गांधी को एक तार भेज डाला। बापूजी, कृपया कलकत्ता अधिवेशन से अनुपस्थित मत होइए, आपको वहां आना ही होगा, आपका विनय पूर्वक मोतीलाल। कलकत्ता अधिवेशन आरंभ हुआ। महात्मा गांधी की जय। वंदे मातरम। हिंदुस्तान के प्यारे लाल। क्या बात है विभा, उन दोनों को इतने ध्यान से क्या देख रही हो? देख रही हूँ इन दोनों में चांद कौन है और सूर्य कौन। कुछ अंदाजा लगा? सच कहूँ तो कुछ भी समझ में नहीं आता, किसे चांद माना जाए और किसे सूर्य। हे भगवान, इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। गांधी जी स्वयं आए हैं इस सम्मेलन में भाग लेने। सुभाष जवाहर भाई, गांधी जी के अधिवेशन में उपस्थित होने का अर्थ है कि हमें पूरी ताकत लगानी होगी। वो तो है। अधिवेशनों के आमंत्रणों पर हर बार उनकी प्रतिक्रिया नकारात्मक रही है। सुभाष, आज अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई कि उन्होंने इतनी हड़बड़ी में कलकत्ता आने का निर्णय ले लिया? कारण कुछ हद तक मेरी समझ में आ पा रहा है सुभाष, स्वयं मेरे पिता। नौजवानों की आवाज तो संपूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में ही रहेगी। सुभाष, हमारे प्रस्ताव का क्या होगा? मोतीलाल जी के नेहरू संविधान को पुराने नेताओं ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वो प्रस्ताव के अंतर्गत हिंदुस्तान को उपनिवेश का दर्जा दिए जाने तक से संतुष्ट हैं। हम लोग उसे अस्वीकार करते हैं तो मोतीलाल जी और गांधी जी नाराज होते हैं, स्वीकार करते हैं तो संपूर्ण स्वतंत्रता के हमारे आग्रह से पीछे हट जाने के कारण युवा वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। क्या करे, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। बड़े भाई, इस स्थिति पर आप ही विचार करें तो अच्छा है। तराजू के एक पलड़े में सिद्धांत और दूसरे में पिता हूं, तो सुभाष दोनों में से तुम किसे चुनोगे? इतना तो आप भी मुझे समझ चुके होंगे जवाहर भाई। मैं भी वही करने वाला हूं सुभाष, मैं अपना निर्णय त्रिकाल में भी नहीं बदलूंगा। अपने प्राण प्रिय जीवन दर्शन से किस लिए मुंह मोड़ना। हिंदुस्तान के दो लाल, सुभाष और जवाहर लाल। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। बंधुओं, कांग्रेस के युवा संगठन का मतलब
निठल्ले, निष्क्रिय और बेजान युवाओं का मेला नहीं है। ये ऐसे युवाओं का संगठन है जिनके दिलों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति उग्र विरोध के धधकते अंगारे खिलते हैं। रूस, चीन और जर्मनी की मिसाल लीजिए। जहां जहां भी पुरानी पीढ़ी के बुजुर्ग नेता शिथिल पड़े हैं, वहां वहां नौजवान जागृत हुए हैं। आज जब मैं अपने देश की ओर देखता हूं तो यहां मुझे दो मठ दिखाई देते हैं। एक है साबरमती का गांधी आश्रम और दूसरा है पौंडीचेरी में अरविंद पीठम। मात्र चिंतन मनन से ही आजादी हासिल नहीं की जा सकती। अरे ये क्या कह गए सुभाष बाबू? हाँ, मेरे विचार से सुभाष बाबू को अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और दोस्तों, उधर साबरमती के चौराहे पर आधुनिकता के संकल्पों में आपसी खींचातानी चल रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे सुनने तो दो, इनकी भाषा में गांधी विरोध की बू आ रही है। साबरमती का विचार है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन पाप है। अपनी जरूरतों में बढ़ोतरी करना और रहन सहन का स्तर सुधारना जैसे कोई अपराध है। मैं पूछता हूं, तो क्या हमें बैलगाड़ी के बीते युग की तरफ वापस जाना है? लेकिन अगर हमें एक आधुनिक, स्वतंत्र, सुखी और शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है तो वो साबरमती के इन विचारों का अंधानुकरण करके नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। क्षमा करें सुभाष बाबू, मैं गांधी जी का अडिग समर्थक हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या स्वतंत्रता पाने के लिए हम अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाएंगे? आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, युवक कांग्रेस अधिवेशन में शामिल सभी बंधुवर देंगे। तो बोलिए, स्वराज्य के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? वो सभी मार्ग जो कामयाबी दिलवाए। पंडित जी। हाँ सुभाष। ये अमूल्य शब्द प्रस्ताव में लिख लिए जाएं, जो भी मार्ग कामयाबी दिलवाए। हिंदुस्तान के दो लाल सुभाष और जवाहरलाल। हिंदुस्तान के दो लाल सुभाष और जवाहरलाल। इंकलाब जिंदाबाद। जरा रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, हटिए, मुझे सुभाष से मिलवाना है, हटिए जरा। ये जतिन दास जी किसे अपने साथ लाए हैं सुभाष बाबू से मिलवाने? अरे बहुत ही रौबीले व्यक्तित्व के स्वामी हैं ये। हाँ? क्या शानदार दाढ़ी मूंछ है। हटिए, हटिए जरा। सुभाष जी। अरे जतिन दास, बहुत देर कर दी तुमने अधिवेशन में आने में। जी, मैं इन्हें लेने चला गया था, आपसे मिलवाना था। ये है भगत सिंह। मैं जानता हूँ इन्हें, आप सरदार अजीत सिंह जी के भतीजे हैं ना? जी। और बताइए भगत सिंह जी, पंजाब के क्या हाल हैं? नेहरू जी, अंग्रेजों के लाठी प्रहार से लाला जी की हत्या हर एक पंजाबी युवक के दिल को साल रही है। ये तो लाजमी है भगत सिंह जी, हमारे बीच से पंजाब का सिंह उठ गया। सच बताएं आप लोग, क्या सिर्फ अहिंसा के सिद्धांत से प्रभावित होकर ये दुष्ट अंग्रेज हमारा देश छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है भगत सिंह? सुभाष बाबू, मुझे तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं लगता। एक भीम झपाटा, एक जोरदार धक्का तो उन्हें पहुंचाना ही होगा। ठीक कहा आपने, गुरुओं और आचार्यों का सम्मान तो हम जरूर करें, उन्हें अपने सिर पर बैठाएं, लेकिन आज के आधुनिक जगत में उनका उपयोग है ही कितना। आज ये सुभाष बाबू को क्या हो गया है? अरे इस तरह खुली बगावत की आवाज हम पहली बार सुन रहे हैं, और वो भी खुद कांग्रेस के महासचिव के मुंह से। हाँ, कमाल की बात है। कृपया रास्ता दीजिए। सुभाष, सुभाष। मिर्ज़ा, क्या हुआ? सुभाष, ये जान लो कि भविष्य के गर्भ में खतरे ही खतरे छुपे हुए हैं। खैर, फिलहाल तो गांधी जी ने तुम्हें और जवाहर जी को तुरंत भेंट के लिए बुलाया है। एक बात का पूरा ध्यान रखो सुभाष और जवाहर, इतने महीनों के सोच विचार के बाद तैयार किए गए नेहरू संविधान को मान्यता मिलना जरूरी है। मगर बापू, संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग किए बिना अब हम नहीं रह सकते। पूर्ण स्वतंत्रता से कुछ भी कम हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है बापू। आप क्या सोचते हैं मोतीलाल जी? गांधी जी, अध्यक्ष द्वारा इतनी मेहनत से लिखे गए विधान को ही अगर उधेड़ा जाना है तो मेरे यहाँ रुकने का मतलब ही क्या है? ऐन वक्त पर छीछालेदर करवाने की जगह मैं इलाहाबाद ही वापस चला जाता हूँ। सुभाष, जवाहर जी, एक बात ध्यान में रखो, स्वराज्य का मंदिर एक दिन में बनकर पूरा होने वाली चीज नहीं है। इसके निर्माण में न जाने कितनी मेहनत लगती है, न जाने कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है।
सिर्फ दुस्साहसिक शौर्य से स्वराज्य प्राप्त होने वाला नहीं है। इधर देखो, इस कार्यकारिणी में मैं खुद नेहरू संविधान को स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव रखने जा रहा हूं। क्यों सुभाष, ठीक है? जवाहर जी, तुम सुन रहे हो ना जी? अगर तुम दोनों के मन में हल्का सा भी ये आभास हो कि मेरे हाथों थोड़ी बहुत देश सेवा हुई है, तो मेरे प्रस्ताव को मंजूरी दो। नहीं तो जैसा मोतीलाल जी ने कहा, मैं भी उनके साथ यहां से निकल जाऊंगा। फिर अपनी कांग्रेस तुम ही लोग संभालना। पर बापू, सुनो जवाहर, मैं समझता हूं कि सबके मन में यही सवाल है कि स्वराज्य के लिए और कितना इंतजार करना होगा। तो चलो, इसके लिए मैं एक निश्चित अवधि तय करता हूं। अगर 31 दिसंबर 1931 तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को उपनिवेश का दर्जा नहीं दिया तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। पर बापू, पूर्ण स्वतंत्रता और उपनिवेश का अंतर तो आप समझते हैं ना? समझता हूँ सुभाष, समझता हूँ। गुलामी से उपनिवेश, उपनिवेश से स्वतंत्रता, कुछ वक्त तो दो इस प्रक्रिया को। बापू, आपसे ही मैंने राजनीति के सबक सीखे हैं, मुझ में आपके विरुद्ध जाने का साहस नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं जवाहर भाई? शांत सुभाष, शांत हो जाओ। मुझे इतना मूर्ख भी न समझो कि मैं किसी के भीतरी मन के विचारों को ना आंक पाऊं। अच्छा चलो जवाहर, मैं अपने अल्टीमेटम की अवधि घटा देता हूं। अगर एक वर्ष के भीतर यानी 31 दिसंबर 1930 तक अंग्रेजों ने उपनिवेश की हमारी मांग नहीं मानी तो मैं स्वयं संघर्ष करने का आह्वान करूंगा। लेकिन बापू, देखो सुभाष, तुम और जवाहर और तुम्हारे लाखों अनुयायी उबलते हुए रक्त वाले नौजवान हो, जब तक तुम्हारे सभी इच्छित ध्येयों को पूरा होने का वक्त आएगा तब तक मेरा अंतकाल भी निकट आ चुका होगा। ऐसे में मेरी बात सुनना अगर तुम लोगों को गवारा नहीं हो तो खुशी खुशी मुझे मंच से उठाकर नीचे फेंक देना, मैं उफ तक नहीं करूंगा। आप लोगों को अगर गांधी जी की ही अंजलि से जल पीना था तो हम युवा वर्ग का सिर नीचे क्यों करवाया? आप दोनों ही गांधी जी के दबाव में कैसे आ गए? कैसे कर लिया आपने समझौता आधी अधूरी स्वतंत्रता के लिए? आपको इस समझौते को भंग करना ही होगा। देश के संकल्प के लिए हम गांधी जी के निर्णय को अस्वीकार क्यों नहीं कर सकते? अस्वीकार कीजिए इस निर्णय को, नहीं तो देश की युवा पीढ़ी को अलग से सोच विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बंगाल के बाघों को बाघों की तरह ही गरजना चाहिए। जतिन, सत्यरंजन, साथियों, मेरा अनुरोध है कि कुछ समय के लिए आप मुझे और जवाहरलाल जी को अकेला छोड़ दें, हमें कुछ गंभीर विचार करने हैं। ठीक है सुभाष बाबू, पर ध्यान रहे आपके विचार युवा महत्वाकांक्षाओं से भटके नहीं। आओ मित्रों, चलो 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 चलो। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपके सामने नेहरू संविधान पेश करता हूँ। ठहरिए बापू, इसे स्वीकार कीजिए। ये क्या है सुभाष? आपके प्रस्ताव में संशोधन। साथियों, प्रस्ताव के अन्य सभी मुद्दे अभिनंदनीय हैं, परंतु आप में से कोई ईश्वर का प्यारा छाती पर हाथ रखकर बताएगा कि अगर अंग्रेज सरकार ने शर्त मान ली तो इसका क्या परिणाम होगा? एक वर्ष की अवधि में आपको औपनिवेशिक स्वायत्तता ही मिलेगी ना? क्या हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं? बोलिए, बताइए। नहीं, हमें संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। हम नौजवानों की न्यूनतम अपेक्षा थी कि कांग्रेस कोई साहसिक कदम उठाएगी, परंतु दुर्भाग्य से हम इससे पहले मद्रास में फहराए गए संपूर्ण स्वतंत्रता के परचम को ही समेटने निकल पड़े हैं। मैं जवाहरलाल, इस अधिवेशन के अध्यक्ष का पुत्र, साफ साफ शब्दों में कहता हूं कि हिंदुस्तान कभी भी इंग्लैंड का उपनिवेश नहीं था।
इसलिए मुझे लगता है कि गुलामी की राह छोड़कर यदि हमें सही रास्ते पर आगे बढ़ना है तो हमें संपूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय से तिल भर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस वक्तव्य को युवा पीढ़ी का विद्रोह नहीं, युवा पीढ़ी की आकांक्षा माना जाए, इसलिए मैं सुभाष चंद्र बोस के संशोधन को पूरा समर्थन देने को खड़ा हुआ हूँ। हिंदुस्तान के दो लाल, सुभाष और जवाहरलाल। यदि बंगाल की युवा पीढ़ी ये समझती है कि एक गुजराती बनिया आप लोगों की भावना से खिलवाड़ कर रहा है, जवाहर, सुभाष, कल रात तुम दोनों ने ही नेहरू संविधान का समर्थन करने का वचन दिया था। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी इस बात की गवाह है। अरे, तुम अपने वचन को 12 घंटे भी नहीं निभा पाए तो फिर आजादी की बात किस मुंह से करते हो? सभाजनों, नंगी छाती पर गोलियां झेलने को जब आप तैयार होंगे तभी अपने इच्छित ध्येय की प्राप्ति में सफल हो पाएंगे, किंतु वो समय अभी आया नहीं है। व्यर्थ में गला मत फाड़ो, अंधकार से डरो नहीं, अपना धैर्य बढ़ाओ। आजादी के लिए तुम लोग मरने को तैयार हो ना? हम तैयार हैं। सही समय पर मरो। I want you to die a proper death. मुझे सही समय देखकर तुम्हारी मौत को सार्थक बनाना है। इंकलाब! 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 महात्मा गांधी के इन शब्दों ने जादू का असर किया। नेहरू संविधान 973 के विपरीत 1550 मतों से पारित हो गया। सभी भारतवासी इस सोच में डूबे थे कि जवाहर सुभाष की ये युवा जोड़ी क्या रंग खिलाने वाली है। महानायक, अभी आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक के रेडियो नाट्य रूपांतर की 7वीं कड़ी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे अश्वनी वालिया, योगेंद्र टिक्कू, संजय पांडे, सुचित्रा गुप्ता, सांगी रालते, रतनदीप दास, राजेश कंबोज, राजेश आहूजा और सुरजन सिंह। रेडियो नाट्य रूपांतरकार थे मनोज भटनागर। ध्वनि अंकन रविंद्र सिंह राजावत। संगीत निर्देशक उस्ताद इकबाल अहमद खान। निर्माता और निर्देशक वीरेंद्र शर्मा। धारावाहिक महानायक की अगली कड़ी के साथ फिर भेंट होगी। नमस्कार।